नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले में एक सरकारी टीचर को अपनी पूर्व सात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ गया है। सात्रा ने अपनी बॉयफ्रेंड संग मिलकर टीचर को हनी ट्रैप में फंसा लिया गया है। फिर दोस्तों रात में मिलने को बुलाया, जब टीचर ने जो मिलने पहुंचे तो उसे बंधक बना दिया और 5 लाख रुपये की डिमांड कर दी। बाड़मेर जिले में ही एक टीचर से उसकी पूर्व सात्रा रही युवती ने हनी ट्रैप में फंसा कर पैसे वसूलने का सनसनीखेज है जो मामला सामने आया है। ऐसे में टीचर को अपनी पूर्व सात्रा से टीचर्स डे पर बधाई लेना इतना महंगा पड़ा कि युवती स्कूल के दिनों में अपने टीचर पर आकर्षित थी, लेकिन दोस्तों कहने और बोलने की उसे हिम्मत नहीं हुआ कर पाई। 5 सितंबर को उसने अपने शिक्षक को इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजी तो टीचर ने अपनी स्कूल की पूर्व सात्रा समझ कर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी, जिसके बाद में युवती ने टीचर्स डे पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि हैप्पी टीचर्स डे। फिर यहीं से शुरू हुई चैटिंग और चैटिंग के सिलसिले के बाद में उस समय हनी ट्रैप का रूप ले लिया, जब पूरी चैटिंग है जो युवती के बॉयफ्रेंड ने देख ली तो जिसके बाद में युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर टीचर को ऐसा जाल में फंसाया कि टीचर जिंदगी भर याद करता रहेगा। अपने निजी फोटो और वीडियो कॉल के जरिए विश्वास दिलाकर मिलने को बुलाया, फिर बंधक बना लिया। टीचर के घर वाले से 5 लाख रुपये की डिमांड कर दी, जिसके बाद में पीड़ित टीचर का भाई पुलिस के पास पहुंचा तो पूरा मामला है जो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने है जो आरोपी और युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दोस्तों इस मामले में मास्टरमाइंड है जो युवती का बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। दरअसल दोस्तों पूरी वारदात की पटकथा धनऊ और सेड़वा इलाके में तैयार की गई थी, इसके बाद में लेकिन वारदात को अंजाम से पहले बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में ये दिया गया, जहां पर पीड़ित मुकेश फोनिया गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक मुकेश को 5 सितंबर को रामेश्वरी पुत्री प्रेमाराम निवासी सिसी बेरी, जो स्कूल की पूर्व छात्रा रह चुकी है, उसने इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजी। जब उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की टीचर ने तो हैप्पी टीचर्स डे के मैसेज मिला, जिसके बाद में दोनों के बीच में है जो चैटिंग है, जो चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस चैटिंग को युवती के बॉयफ्रेंड पप्पू राम ने देख लिया तो उसके बाद में दिमाग में युवती को हनी ट्रैप में फंसा कर पैसे वसूलने का आइडिया आ गया। इसी बीच में दोस्तों 22 अक्टूबर को आरोपी युवती और रामेश्वरी का बाड़मेर में सीईटी का एग्जाम था, जिसके बाद में वह बाड़मेर पहुंची थी। एग्जाम के बाद में आरोपी युवती और उसके मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड यानी कि पप्पू राम ने मिलकर शिक्षक को फंसाने का प्लान बना दिया। दोस्तों ऐसे में इसके बाद में आरोपी पप्पू राम ने अपने साथ धोला राम, हनुमान और कालू राम को 10-10 हज़ार रुपये हायर किया और रामेश्वरी से पीड़िता मुकेश को अपने जाल में फंसाया और कहा कि वह एग्जाम देने के लिए बाड़मेर आई हुई है और ऐसे में आज रात वह अपने रिश्ते में लगने वाले भाई और बहन के कमरे में रात में रुकने वाली है और उसके भाई और बहन को रात में 12 बजे की ट्रेन से जोधपुर जाने वाले हैं। ऐसे में पीड़ित मुकेश को 12 बजे बाद में कमरे में बुलाया जाता है। जैसे ही दोस्तों मुकेश है जो युवती के कमरे में पहुंचा तो कुछ देर में रामेश्वरी के साथ में बातचीत की, फिर दोस्तों रामेश्वरी है जो कमरे से उठी और वापस आने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों जब वापस आई तो उसके साथ में आरोपी पप्पू राम साथ ही 3 अन्य लोग और भी थे। सभी ने मिलकर है जो मुकेश के साथ में हाथ पांव बांध लिए और कपड़े सारे के सारे उतार दिए और उसके बाद में फोटो और वीडियो बनाए। इसके बाद में दोस्तों सभी ने मिलकर मुकेश के साथ में मारपीट भी की, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया। फोटो वीडियो वायरल करने और मारपीट करने के प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद में जब मुकेश ने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, काफ़ी देर तक बातचीत का खींचतान चली, उसके बाद में 5 लाख रुपये पर बात पक्की हुई तो आरोपी ने वीडियो और उसके भाई को फोन किया और पैसे मंगवाए। इस दौरान दोस्तों भाई ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि धनऊ पुलिस थाने के थाना अधिकारी को भाई ने जानकारी दे दी और बाड़मेर की सदर कोतवाली रिको और डीएसपी सिकरी हुई और पैसों की डिलीवरी लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो आरोपी को दबोच लिया गया। इसके बाद में दोस्तों रूम के अंदर बांध कर रखे हुए शिक्षक मुकेश को छुड़वाया, हालांकि इस दौरान आरोपी हैं जो युवती सहित सभी लोग हैं जो भागने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों 2 दिन की बड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस की टीमों ने युवती रामेश्वरी सहित 4 आरोपियों को है जो गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों लेकिन मास्टरमाइंड पप्पू राम अभी भी पुलिस तक गिरफ्त से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SKJ TV। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं सफी खान।